हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फ्रूट ट्रैफल। सबसे पहले मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड लिया, उसमें मिल्क डाला और उसको मिक्स किया। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध बॉयल होने के लिए रख देंगे 1 लीटर। जब दूध बॉयल हो जाएगा उसमें 1 कप शुगर डालेंगे और फिर हम अपना जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। एक हाथ से आपने मिक्सचर डालना है और उसको हिलाते रहना है ताकि बीच में लम्स ना बने। कस्टर्ड थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम फ्रूट्स लेंगे, आप कोई भी डिफरेंट तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं। और उसके हम टॉपिंग के लिए जेली बनाएंगे। जेली बनाने के लिए सबसे पहले आप जेली का पाउडर एक बोल में पोर करेंगे। उसमें 1 कप हम हॉट बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे। ओके, जब आप बॉइलिंग वाटर डाल रहे हैं तो साथ साथ आपको उसको मिक्स करना है ताकि सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो बीच में डिसॉल्व हो जाएं। उसके बाद हम 1 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे, लेट से फॉर 4 आवर्स। ये मैंने एक रात पहले ही बना के जली रख ली थी। ओके, फिर हम इसे असेंबल करने के लिए सबसे पहले नीचे केक की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद जूस डालेंगे ऊपर, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जेली स्प्रिंकल करेंगे। देन वी विल ऐड कस्टर्ड, अ लेयर ऑफ कस्टर्ड। उसके बाद हम अपने सारे फ्रूट्स इस पे ऐड कर देंगे और फिर लास्ट में इसको कस्टर्ड के साथ एक लेयर से कवर कर लेंगे। टॉपिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग द सेम जेली जो मैंने नीचे बॉटम लेयर में यूज़ की है। और फिर आप ओरियो लो, उनको थोड़ा क्रश करो और ओरियो स्प्रिंकल कर दो। एंड हेयर इज़ अ फ्रूट।